छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। 5 साल पहले लगातार छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से जल रहा था, अब हम लोगों ने उसे बहुत पीछे ढकेल दिया है, बहुत सीमित क्षेत्र में रह गया है। भारतीय जनता पार्टी जिसे खून पसंद है, हिंसा पसंद है, घृणा पसंद है, और इसी कारण से लगातार उनके कार्यकाल में नक्सल गतिविधियां बढ़ी। अब जो वह शांत हो रहा है, सब तो ED IT के माध्यम से गर्म किया जा रहा है, और पूरा जो साम्राज्य है छत्तीसगढ़ की जितनी खदाने हैं सबको अडानी को सौंपने का षड्यंत्र चल रहा है। पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। 5 साल पहले लगातार छत्तीसगढ़ जल रहा था नक्सल समस्याओं से, अब वो बहुत पीछे हम लोग उनसे धकेल दिया है, बहुत सीमित क्षेत्रों में रह गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसको खून पसंद है, हिंसा पसंद है, घृणा पसंद है, और इसी कारण से वो लगातार उनके कार्यकाल में नक्सल गतिविधियां बढ़ा। अब जब वो शांत हो रहा है सब, तब ये ED IT के माध्यम से गर्म किया जा रहा है, और पूरा जो साम्राज्य है छत्तीसगढ़ के जितने खदाने हैं सबको अडानी के सौंपने का षड्यंत्र चल रहा है। आपका ध्यान दूसरे तरफ भटका के अभी गारेपेलमा तो दे दिया ACCL की खदान को, जो ACCL खुद इतना कोयला उत्पादन करता है, हमारा जो बिलासपुर जोन है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्जित करने वाले देश का है, उसके बाद भी वो खदान को ACCL के खदान को अडानी के दिया। NMDC जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है उसको हटा के वो अडानी के दे रहे थे। तो मुख्य बात ये है कि अडानी को नहीं दे पा रहे हैं, राज्य सरकार बीच में खड़ी हुई है, इस कारण से राज्य सरकार कैसे भी अपदस्थ करो ये केंद्र सरकार का षड्यंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तुष्टीकरण की बात है, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का राज चलता है, कानून का राज है, गलत चाहे कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। महादेव ऐप पूरे देश में बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा राज्य है या भारतीय जनता पार्टी शासित कोई राज्य है जो बताए कि महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्योंकि हेड ऑफिस तो दूसरे प्रदेशों में है, उसके जितने भी चैनल है वो सब दूसरे प्रदेशों से हैंडल हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने कार्रवाई की और हम ही को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये षड्यंत्र दिल्ली से चल रहा है, और हर हालत में यहाँ के चाहे लोहा कोयला जितने खदाने हैं बिल्कुल गिद्ध की तरह निकाह लगी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है इनके बहकावे में आना नहीं है, वो सब समझ गए हैं। अभी ऑनलाइन सट्टा के बारे में चर्चा चल रही है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में उसको कोई ऑफिस नहीं है, जो खिलाने वाले हैं वो जरूर यहाँ के हैं, और 30 मार्च 2022 को पहला FIR दुर्ग में किया गया, फिर रायपुर बिलासपुर सभी जगह, और करीब 72 प्रकरण दर्ज छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा, और उसमें 449 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और गिरफ्तार किए गए हैं उसमें वो दिल्ली में, बॉम्बे में, गोवा में, अनेक अलग अलग प्रांतों में उसकी गिरफ्तारियां हुई है, और अभी तक के 191 लैपटॉप, 885 मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए हैं। 41 लाख से अधिक नकदी, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक सामग्री जब्त की गई, 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि, करीब 1000 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया गया, 200 से अधिक ATM कार्ड जब्त किए गए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली एवं अन्य प्रांतों में आरोपियों को पकड़ा गया। प्रदेश में ऑनलाइन सट्टा का कोई भी कार्यालय ब्रांच संचालित नहीं है। सट्टे से जुड़े हुए सभी लोग गिरफ्तार या अंडरग्राउंड हो गए हैं। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा,
एप महादेव के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर रवि उपल के विरुद्ध LOC लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश ने कठोर कानून छत्तीसगढ़ में जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 बनाया गया जो वर्तमान में लागू है। तो राज्य सरकार के ओर से भरपूर कार्रवाई की गई है, देश में और कहीं कार्रवाई नहीं हुई है।